10% रंगदारी नहीं देने पर बाइकर्स गैंग का कहर। ताजा मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र मगध अस्पताल के पास का है, जहां कमर्शियल गाड़ी के चालकों से रंगदारी मांगी जा रही थी। रंगदारी नहीं देने पर बाइकर्स गैंग के सदस्यों ने लोहे के रॉड से सूरज नाम के एक एम्बुलेंस चालक को मार मार कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर से रंगदारी लेने को लेकर पहले भी इनकी मारपीट हो चुकी है। कदमकुआं थाना क्षेत्र में ये मामला पहले भी दर्ज हो चुका है। इस घटना के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर सूरज को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, साथ ही मारपीट करने वाले सभी अपराधियों को पुलिस ढूंढ रही है, जिसमें से एक युवक जिसका नाम सीपी बताया जा रहा है उसको पुलिस ने फिलहाल अपनी हिरासत में ले लिया है और पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरे साथ सीपी था, उसके साथ हाथापाई हुई और वो लोग रेड लेके आया, मेरे को मारा और ऊपर से किस लिए हुआ था? कमीशन का 500 रूपए चलते। कमीशन या रंगदारी? रंगदारी वही। उसके बाद मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरा गाड़ी का शीशा फूट गया, मेरा गाड़ी का चाबी ले लिया है। चाबी भी उसी के पास है? हमको सबको खींच के ले जाता था मार के फेंकने के लिए। अच्छा, हत्या के इरादे से ले जा रहा था, गाड़ी में बैठा रहा था? मारा है, माथा फूट गया दो जगह, पूरा हाथ फटा हुआ। तौलिया टाइप मारे उसको? कोई रंगदारी का बात नहीं था, 500 रुपया भाई उससे मेरा लेना था, 500 मांगे पिछले 1.5-2 महीना से, वो आजकल कर रहा था। हम एक थप्पड़ उसको मारे थे, वो लोग पूरा शराब पी के ड्राइवर लोग था, वही लोग मारा है, मेरे सिर में भी चोट है। बराबर शिकायत मिलती है कि आप लोग का गुट वहाँ रहता है और कहीं ना कहीं वहाँ गाड़ी चलाने वाले लोगों से 10% रंगदारी की मांग की जाती है। हम तो अब जाना भी छोड़ दिए। कितने लोग मिल के मारे थे उनको? हमको मारने में तो बहुत सारे लोग थे सर, 20-25, 10-12-15 गोली थे।